क्या वहां पर भी मिला जुला असर दिख रहा है या पूरे तरीके से भारत बंद का असर वहां पर देखने को मिला है? फिरोजपुर में जो है भारत बंद का असर पूरी तरह दिख रहा है। पूरा बाजार बंद है, मार्केटें बंद है, चौक को बंद किया गया किसानों की तरफ से। बात की जाए किसानों की तो किसानों की तरफ से सुबह 6 बजे से ही धरना लगाया गया और जो किसान है अभी आप देख सकते हो 7 घंटे के तकरीबन टाइम हो चुका है किसानों को धरना लगाए हुए हैं। पर वैसे ही है उनका जोश, वैसा ही है उनका एक ही काम है, कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून बिल रद्द नहीं होते हमारा संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे हमारे ऊपर बैठे जो हमारे लीडर हैं जैसे वो हमें सजेस्ट करेंगे हम वैसे ही करते रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे किसान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। इसलिए खेती कानून लाए गए ये कोई पता नहीं लगता जी, इस 2 साल भी चल सकता है। हाँ जी जी, सरकार जी दे तक तो मंगा नहीं मानती होनी चाहिए। हाँ ना, ये जारी रहेगा जी करना। तुहाडा की कहना जी? ये जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लिया ये विद्रोह के अज अं उधम सिंह चौंक के सारे इकट्ठे होए हैं और केंद्र सरकार तो यह मंग करते हैं कि ये जोड़े काले कानून तो बनाए इन्हों रद्द करो और जिंद जो किसान ने जोड़े वो आपके घर जा सकन। ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। अगर कमल बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं कि किसानों का की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, बाजार भी बंद है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था फिरोजपुर में की गई है? Thank you.